राजस्थान में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में राजस्थान 713 करोड़ का कारोबार कर देश में चौथे नंबर पर रहा। यह कहना है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत बैनर्जी का, जिन्होंने जयपुर में IDSA की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें एसोसिएशन के सदस्यों समेत 18 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बैनर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग के लिए नियम तय किए हैं। इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को है। एजेंडा ऐसा है सर कि हर साल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो एक एनुअल सर्वे करती है, तो वो फिगर्स हम रिलीज करना चाह रहे थे। राजस्थान कैसे पोजीशन है, करीब 700 करोड़ से ऊपर यहाँ पे बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और तकरीबन 105 करोड़ का हम लोग टैक्स जमा करते हैं स्टेट में, और इस स्टेट में 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ, जिनमें से 1.5 लाख औरतें हैं। तो ये फिगर्स हम लोग जस्ट शेयर करना चाह रहे थे। सेकेंडली, सेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नोटिफाई कर रखे हैं दिसंबर 2021 में, तो स्टेट्स अभी मॉनिटर करेंगे। तो एक तरफ से हमारे हम लोग चाह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएँ कि ये इंडस्ट्री इतनी मजबूत है इस स्टेट में, और मॉनिटरिंग जब किया जाएगा तो कैन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बी पार्टनर्स टू दिस एफर्ट। विषय उज्ज्वल दिख रहा है। ग्रैंडव्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से 2028 के बीच डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 6.1% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं MI लाइफस्टाइल के मुताबिक साल 2025 तक यह उद्योग 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इस उद्योग के बढ़ने से सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और साल 2025 तक ये करीब 90 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस की सच्चाई क्या है, लोग इस बिजनेस के बारे में बताने से क्यों कतराते हैं, लोग इस बिजनेस में काम करना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी है, क्या है इसकी वजह। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों? अगर आज आप दूसरी कंट्रीज को देखें, जो कंट्रीज आज डेवलप्ड है, उन सभी कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर डिपेंडेड है। जब तक लोग खाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़ा पहनते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपका चलता रहेगा। अपने इंडिया में कुछ लोग इसे फंसने फंसाने का काम बोलते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता वे लोग ये काम करते हैं। मैं उन सारे लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास अभी तक इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुँच पाई है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाएं। दुनिया में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लोग दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कितना यूज करते हैं, और इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो जरा सोचिए उनकी कमाई कैसे होती होगी, जबकि फेसबुक दुनिया के टॉप 10 बिजनेस में आता है कमाई के मामले में। कुछ लोग सोचते हैं अगर फेसबुक जब हमसे पैसा नहीं लेता है तो कमाता कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कमाता भी होगा कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो डाटा हम लोग यूज करते हैं उससे कमाता है, डाटा का पैसा सिम वाले को जाता है जिसका सिम हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। ना तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं कि कमाई आखिर कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है। किसी भी नई इंडस्ट्री को चलने के लिए 4 फेज से गुजरना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश फंडिया है। दोस्तों, हम आपको ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। और चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को किसी को भी भेजेंगे वो कभी आपको मना नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन करने।
करने से। इफ इंडस्ट्री को फ्रॉड बोला जाता था और इफ इंडस्ट्री को समझना नहीं चाहते थे और शुरू से ही इफ इंडस्ट्री को इग्नोर करते थे लोग। आखिर पहला जो फेज होता है वो होता है नेगेटिव फेज, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है। ये फेज हर नई इंडस्ट्री को झेलना ही पड़ता है। जब भी मार्केट में नया बिजनेस आता है तो लोग पहले उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा कर देते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ हुआ। पहले ना तो लोग बैंक में पैसा जमा करते थे और ना ही इंश्योरेंस लेते थे, क्योंकि इंडस्ट्री नई थी, लोग डरते थे, किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन आज देखिए, यही इंडस्ट्री है जिसके बिना किसी राज्यों की कल्पना करना असंभव है। जब नई नई प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ तो 95% लोगों ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी 5% लोगों को विश्वास था, और आज वही 5% लोग दुनिया में आगे हैं। आज हर चीज़ प्लास्टिक का है, जग हो या बाल्टी, कुर्सी हो या टेबल, खिलौना हो या फ्रेम, यहाँ तक कि डोर भी अब प्लास्टिक के हैं, जो आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेगेटिव फेज में है, इसीलिए इतनी सारी नेगेटिविटी है। और जब ये पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। दूसरा जो किसी भी इंडस्ट्री को फेस करना होता है वो दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि वे आसपास में रिजल्ट देख रहे होते हैं। और जो लोग उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते हैं, अनदेखा कर रहे होते हैं, वे रिजल्ट देखने के बाद दिलचस्पी लेने लगते हैं, और आपका काफिला और बढ़ने लगता है, रिजल्ट और बढ़ने लगता है, दिलचस्पी और भी लोगों में बढ़ने लगती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ हुआ था। बैंकिंग इंडस्ट्री का वैल्यू तब पता चला होगा लोगों को जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा। इंश्योरेंस के वैल्यू तब लोगों को पता चला होगा जब किसी के एक्सीडेंट होने के बाद उसके घर वाले को पैसा मिला होगा। तीसरी जो किसी भी इंडस्ट्री का फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज। जब एक बार लोगों को इंडस्ट्री पर भरोसा होने लगता है तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, क्योंकि ऐसे फेज में लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं आती है तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, और जैसे कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है तो लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथी और आखिरी फेज, हर इंडस्ट्री को इससे गुजरना ही होता है, कंपटीशन फेज। हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपटीशन बढ़ने लगता है। इंडस्ट्री और कंपनीज की ग्रोथ को देखकर ज्यादातर लोग कंपनी के साथ जुड़ना और काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपटीशन होने लगता है, फिर चाहे कोई सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, आज के टाइम पर हर सेक्टर में हाई लेवल कंपटीशन है। ये टाइम हम सब के लिए बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और इसे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6,000 करोड़ आका गया है। आज तक जितना हुआ है उसको देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2020 से 25 तक 645 अरब तक की हो जाएगी। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत हद तक अपना लिया है, और वहाँ के सिटीजन भी बहुत जागरूक हैं। बदलाव के बिना तरक्की नहीं की जा सकती है, और जो लोग अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते हैं वे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते हैं। नोकिया, कोडेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद भी वो वक्त के साथ इतिहास के हिस्सा बन गए।
इन तमाम बातों में से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलना तो तय है, जो वक्त से पहले बदल गया उनकी ज़िंदगी बदल गई, और जिसे वक्त ने बदल दिया उनकी भी ज़िंदगी बदल गई। फ़र्क साफ है, अगर वक्त के साथ बदल गए तो ठीक, वरना वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग, यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए, और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना ये चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं।